हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? बोलो। मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे। जाम, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। मेरा वचन कभी छूटा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। अरे कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ बलराम। गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरुदक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे, और जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की है उनका उपयोग किसी को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए या किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं करोगे। हाँ, बल्कि उनका उपयोग किसी दुखी और अन्याय से पीड़ित प्राणी की सहायता के लिए अवश्य करोगे। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मत पूछो मुझसे।
मेरे वचन पर भरोसा रखिए माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया, तो मेरे पुत्र को वापस लाकर दे सकते हो? मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए झूठा वचन क्यों देते हो? जाओ जाओ, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र खा गया। हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे, हमारा पुनर्दत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींच कर अंदर ले गई, फिर वो वापस नहीं लौटा। तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। परंतु इस बात का निश्चय आपने कैसे कर लिया कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? जिसे समुद्र खाएगा, फिर क्या वो जीवित रहेगा? हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं, बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वो किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। मैं भी परसों से इसी भुलावे में थी, पर मैं माँ हूं ना, अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। इन बातों में क्या रखा है? अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा, और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह प्रण पूरा हो जाए। जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है, उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है, यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींच कर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दो भैया,
मैं भी साथ चलता हूं। जागो दैत्यराज, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं है, इसे वृथा ही मारा। वृथा नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो फिर अब क्या? अब यमराज की राजधानी संयमणि में चलते हैं, वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। चलो। दाऊ भैया, ये शंख कितना सुंदर है, देखे इसकी ध्वनि कैसी है। हाँ, आज से यही हमारा शंख होगा, प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इसका नाम पांचजन्य शंख होगा और जहां भी ये शंख बजेगा वहां धर्म की विजय होगी। अब यमराज जी के पास चलते हैं। ये किसके पदचाप की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? हे यमराज, इस क्षण में तो किसी भी प्राणी के आने का कोई उल्लेख नहीं है मेरे खाते में, इसलिए प्रभु जो आ रहा है वो मृत्युलोक का प्राणी नहीं हो सकता, कोई और ही है। और कौन? असुर? सुर? मैं नहीं जानता भगवान। ठहरो, कौन हो तुम? जो यमदूत तुम्हें यहां लाया है वो कहां है? हमें कोई यमदूत नहीं लाया, हम स्वयं आए हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहां तक नहीं पहुंच सकता, केवल मरने के पश्चात ही जीवों को यहां लाया जाता है। परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं, इसीलिए ऐसे ही आना पड़ा। हम तो यमराज जी के दर्शन करने आए हैं। अरे भोले बालको, तुम समझते क्यों नहीं? इस पार्थिव शरीर के साथ भगवान यमराज के दर्शन नहीं हो सकते, केवल मरने के बाद ही जीवों को उनके दर्शन होते हैं। यदि मरने के पश्चात ही उनके दर्शन हो सकते हैं तो भैया हमें मार ही डालो। हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है और जब वो निश्चित समय आता है तभी काल भगवान की आज्ञा से यमदूत उस प्राणी के प्राण हर लेते हैं। इससे पहले तो यमदूत भी उसे नहीं मार सकते। यदि हम अंदर नहीं जा सकते तो यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाएं। कैसी असंभव बातें कर रहे हो, उन्हें कैसे बुला सकते हैं?
तो आप नहीं बुला सकते उन्हें? नहीं। जिसने यमपुरी में आकर ऐसी दृष्टता करने का साहस किया है, उसे हमारे सामने तुरंत उपस्थित किया जाए। तरुण अवस्था के दो दंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वो हट कर रहे हैं कि आप स्वयं चलकर उन्हें दर्शन दें। इसका अर्थ है कि वो दोनों कोई मायावी असुर हैं, जिन्होंने हमारी संयमनी नगरी पर आक्रमण करने का साहस किया है। उनकी इस धृष्टता का उत्तर हमारा यमदंड उन्हें देगा। यमदंड को शक्तिहीन कर दे। तीनों लोक में ऐसा कौन है, उसे तो स्वयं चलकर देखना पड़ेगा। प्रभु, हे त्रिलोकपति, हे जगत पिता, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जिस लोक में जहां भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूं, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझमें नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम ना करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे महात्मा, हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से, हमारे श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सर्वदा अचल रहेगी। गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता। क्या है सुदामा? गुरु माता, कृष्ण आ गया है। कृष्ण आ गया है? हाँ गुरु माता, उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या, मेरा पुनर्दत्त आ गया है? क्या पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। वो देखिए। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र।
पुनर्दत्त बाबा, पुनर्दत्त तू कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था तू, तू कहाँ चला गया था? माँ, स्नान करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं समुद्र की लहरों में बह गया था। फिर क्या हुआ, तू कैसे बच गया? मुझे कुछ याद नहीं रहा, शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं लहरों में बहते बहते कहाँ पहुंच गया, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो इन दोनों को देखा, ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा। गुरु माता, इसे याद कैसे आती? गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। क्या स्मृति खो गई थी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन को कोई झटका सा लगे तो मनुष्य की स्मृति ही खो जाती है। इसके साथ भी यही हुआ होगा। अकस्मात डूबने के भय से या फिर समुद्र में किसी पत्थर से सिर टकराने से इसकी स्मृति ही खो गई होगी। पर तुम लोगों को ये कैसे मिला? मैंने कहा था ना कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे हम दोनों समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर इसे ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला भैंसा था, उसी के आंगन में ये रहता था। हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है? उसने कहा ये मेरा कोई नहीं, बेचारा कहीं खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्य राज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। कृष्ण वत्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें और क्या दे सकती है? आज आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का ऐसा बिछो कभी ना हो जैसा कि मेरा और पुनर्दत्त का हुआ। गुरु माता, देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। क्यों, क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? हैं, बल्कि एक नहीं दो दो माताएं जीवित हैं। क्या दो दो माताएं? हाँ गुरु माता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं, इसलिए एक के पास रहता हूं तो दूसरी से बिछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूं तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। अच्छा तो सुनो, यदि मैंने जीवन भर एकाग्रचित होकर अनन्य भाव से अपने पति की सेवा की है तो आज आज मैं अपनी पति भक्ति का सारा फल तुम्हें प्रदान करती हूं और यह आशीर्वाद देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है उसी प्रकार
सारे संसार के दुखियों का दुख दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे, जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार करे, और तुम्हारी जय जयकार करे वत्स। आज तुमसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर जो ये चमत्कारी कार्य किया है, उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो, जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है, इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की, उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए, मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी।